माइलेज अगेन तो आप होटल और यू कैन से हॉस्टल. अब मैं पूरी जर्नी बताती हूँ आपको अच्छे से बैठ के. Hi guys, hi from Thailand. I hope you're healthy and happy wherever you are. ये काफ़ी अच्छा exciting vlog होने वाला है because we have some really nice itinerary planned this time. And before you guys think ये फिर से Thailand आ गई, मैं clear कर देती हूँ, Thailand बहुत बड़ा है. तो हमने explore किया था Bangkok and Pattaya, which is like काफ़ी ऊपर है and वो city life है, it's more like a city kind of thing. लेकिन अब हम explore करने वाले हैं Phuket, Krabi, Koh Samui, which is like an island. Plus ये मेरी birthday trip भी है. So yeah, right now we are in Phuket. कल हमने Delhi से ही flight ली थी. So हमने इस बार choose किया Singapore एयरलाइंस बिकॉज हमें ये वाले एयरलाइंस का भी एक्सपीरियंस लेना था. हमें बहुत अच्छी डील मिल रही थी, 2-3 महीने पहले हमने टिकट कराई थी. दिल्ली से सिंगापुर हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी वी आर सिंगापुर एयरलाइंस. फिर सिंगापुर से फुकेट हमारी सेकंड फ्लाइट थी विच इज बाय स्कूट. स्कूट जो है वो सिंगापुर एयरलाइंस की ही है, उनकी छोटी वाली फ्लाइट होती है जो ऐसे सिटीज में लैंड करती है. एयरलाइंस वॉज वेरी गुड, द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड. हॉल भी ठीक था, 1 आवर का हॉल था. टर्मिनल हमें चेंज करना था. सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है विच इज चांगी एयरपोर्ट. सो आप टर्मिनल चेंज करने के लिए भी वहाँ पे मेट्रो मिलती है. सो फटाफट हम जैसे ही लैंड करें हमने मेट्रो चेंज कर ली थी. एंड दिस टाइम वी मेड श्योर कि हम जब दिल्ली में हमने अपने बैग या लगेज दिए थे, हमने बैग टैग की फोटो भी ली थी. प्लस हमने इंश्योर भी किया था कि फाइनल लगेज हमें फुकेट में मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि सिंगापुर पे ही रह जाएगा. सो दे वर लाइक नहीं नहीं वरी नॉट, आपको प्रॉपर आपका फाइनल वहीं पे मिलेगा. एयर इंडिया ने लास्ट टाइम में बहुत रुलाया था. सो या फाइनली वी आर एट फुकेट. वी आर इन दिस होस्टल कॉल्ड लवडी. सो लवडी इज़ अ वेरी बिग चेन इन बैंकॉक. बैंकॉक एज इन थाईलैंड, बैंकॉक में है, फुकेट में है, काफ़ी सारी सिटीज़ में है थाईलैंड के. एंड दिस इज़ मोर लाइक अ हॉस्टल. यहाँ पे डॉम्स भी हैं लेकिन हमने प्रॉपर ऐसे छोटा अपना प्राइवेट रूम लिया है. उन्होंने आई डोंट नो ये हनीमून वाला डेकोर क्यों किया. आई वांट स्मूदी, वेयर इज इट, टीचर रखी हुई है, मैंने स्मूदी भी जीती. यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग, इन्होंने इतने सारे हमें वाउचर्स दिए हैं. यहाँ पे स्पिन द व्हील है, यहाँ पे काफ़ी सारी गेम्स होती हैं. सो इट्स मोर लाइक अ हॉस्टल थिंग. सो अगर आप थोड़े से फन करने वाले कपल होना या फिर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, आपका बजट भी कम है बिकॉज ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है. हमने पहले आइटनरी में यही सोचा था कि फुकेट में हम एकदम अफोर्डेबल होटल कराएंगे. सो यहाँ फाइनली चेक इन तो हो गया, थोड़ा सा हालत ठीक कर लेते हैं, नहावा लेते हैं एंड देन वी विल एक्सप्लोर द सिटी. रेडी टू एक्सप्लोर फुकेट. दिस इज डे 1 OOTD. मैं सारे आउटफिट की डिटेल्स डाल दूंगी सो दैट यू कैन ऑल्सो शॉप. लेट्स गो. लेंस नहीं पहना मैंने बिकॉज मैं लेंस सोल्यूशन लाना भूल गई. इमेजिन पैकिंग सो मच और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाओ लेंस सोल्यूशन. वी आर बीच एट द वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम होटल. क्या नाम है इस बीच का? देयर इज नो नेम. पैतोंग बीच होगा. पैतोंग. नाइस. कल आएंगे आराम से बिकनी बिकनी पहन के अंदर. सबसे पहले तो गाड़ी Garnier का भी जो है सैम्पल है. एवरी थिंग हैज सैम्पल वेस्ट. वो तो बाहर गर्मी है, अंदर ठंड है. वेट फॉर 3 मिनट्स. दिस इज आवर राइड फॉर द डे. ऑल्सो ट्रैवल टिप, जब भी ट्रैवल करो हमेशा पहले वीडियो फोटो बना लो जस्ट इन केस इनके में कोई डैमेज हो, बाद में हमें ना बोले कि आपने करा. लाइक द सीट इज स्ट्रॉन्ग, तो अभी से वीडियो बना लो. हमने कुछ नहीं किया, पहले से ऐसी थी. Luxury side of central Phuket, we have Gucci, then we have Hermes, we have Dior, what else we have Prada as well. Or us side jo hai central mall hi hai, but that is more on the affordable side like Uniqlo and brands like that. Yahan pe khali hum nazar maane aaye hain.
दिस वन कॉस्टेड अस 190 baht which is almost 440 rupees. मतलब इंडिया और थाईलैंड के स्टारबक्स में इतना कोई डिफरेंस नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट द सेम. चीयर्स. नो वेज. फिश चिकन अगर में क्या आता है? फिश और बीफ के खाना बुक लगाया फिश चिकन नहीं है. मैं प्राइस का के काम चलाऊंगा. पेपर चिकन वेज बोल रही हूं. वो बर्गर किंग में है. बैंकॉक में तो था. वो बर्गर किंग में. इट्स फनी. अच्छा. अमेरिकन और नॉर्मल टोमेटो. Nice. Over cheese pulao. This is good. This is a good option for vegetarians. Thailand ka McD mascot kafi sanskari hai. Dekh rahe ho? Namaste kar raha hai. Namaste. Aise swadi kaam kar raha hai wo. Lovely aa gaya. Lovely. Came back to the hotel room. Halka sa touch up kar liya. Maine lenses pehen liye. Maine subah nahi pehne the because mall pura din ghumo fir raat tak eyes dry ho jati hain. Ab hum clubbing ke liye ja rahe hain to mujhe laga ab lenses pehen lete hain. I also applied this मार्स का कलर्ड काजल. थोड़ा सा ग्रीनिश लुक दे रहा है ना. टॉप के साथ मैच कर रहा है. आई लव दीज ग्लॉसेस. अभी नायका ने ल्यूनी लॉन्च करे हैं ये लिप ग्लॉस ऑयल समथिंग. आई लव इट. इसका शेड मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. आई लव इट. फ्रेश वाटरमेलन खा रहे हैं ना. यम्मी. ओ यार तेज हो गई. जब भी आ जाता है बारिश के अननेसेसरी खर्चे. अगर आप इंडिया से रेनकोट ला सकते हो प्लीज लेके आना. वैसे इतना महंगा नहीं है. 30 रुपीज़ वुड बी अराउंड 70 अराउंड होगा. 70-80 रुपीज़. नॉट बैड. और रीयूजेबल भी है. वी आर बैक. सरप्राइज रेन हो गई. मानसून जल्दी आ गया पॉकेट में. हमने 7-11 से लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी. बट वी आर बैक एंड डे वन एट पॉकेट इज ओवर. सो सी यू टुमॉरो. द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग. इट्स रेनिंग. हमारे सारे प्लान्स. चलो कोई नहीं हम जाएंगे फिर भी. इट्स ड्रिजलिंग. इतनी ज़्यादा कोई तेज़ बारिश नहीं हो रही. पहले से थोड़ी कम हो गई है. कैन यू सी द क्लाउड्स. ऑल्सो आई लव द फ्रूट्स. है हर जगह फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं. फिर फ्रूट्स लवर यू विल लव थाईलैंड. ब्रेकफास्ट हमारा हो गया 7-11 पे. वी सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी. फालतू में हमने वो होटल का ब्रेकफास्ट नहीं लिया. होटल से जितने ब्रेकफास्ट होते हैं ना बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं एंड कोई फ़ायदा नहीं होता. सो 7-11 कैफ़े में जाओ. कैफ़े वाले 7-11 जाना. नॉट अ नॉर्मल 7-11. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैफ़े के भी मिलेंगे. वी वेंट टू द पेटोंग बीच 7-11 जो कैफ़े था. यू कैन पिकअप थिंग्स. आप वहीं बैठ के खा सकते हो या इन्जॉय. मच मोर ऑप्शन हैं. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो फिर तो मज़े ही मज़े हैं. बहुत सारे ऑप्शन हैं. लेट्स डू डे टू ऑफ एक्सप्लोरिंग फुकेट. लेट्स गो. दिस इज माय होटल बैग. Take a screenshot later on. Screenshot le liya. Old town Phuket is so pretty. Everything is aesthetic. The
इट्स लाइक खान मार्केट लेकिन थोड़ा और एस्थेटिक आइस वाली है वैसे घूम के स्लशी मैंने कहा अरे स्लशी को पर मुझे खाना चाहिए हेलो सदिका है these earrings from Sarojini I think 30 rupees ke liye the and these are so pretty yaar I love how they reflect color matlab jo outfit pehante na uska ek color sort of reflect hota hai they look very aesthetic plus metal nahi hai to abhi barish mein bhi tension nahi hai because plastic ke hai to barish bhi aaye to isme kuch rust and all nahi aayega it's nice I like it everything is matching well like my lilac nails this course bikini pehne ka plan nahi tha but as usual we thought scooty se itna door nikal hi rahe what if we land up on a beach so always have bikini on 2 hours later. I saved 150 baht because I was carrying this dress. इसको मैंने as a skirt पहन लिया है. आपके knees cover होने चाहिए. So whenever you are going to any Buddha temple, your knees should be covered. Long dress. Oh nice. Can you see? Look at the view. And this is the big Buddha. Amazing. और शाम हो चुकी है हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया है प्लस बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है सो बारिश में नीचे ऐसे पहाड़ से उतर ट्राइंग बेस्ट कि पहले सबसे पहले नीचे उतर जाते हैं फिर हम कुछ खाने पीने का देखेंगे वो न्यू मॉल कल हम सेंट्रल फुकेट गए थे आज हम आए हैं जंग सिलोन आई डोंट नो दिस इज़ अ पार्किंग कार्ड यहाँ पर बड़ा फैंसी ऐसे पार्किंग कार्ड मिलता है फॉर स्कूटीज सो लेट्स गो लिटरली होल सेल सॉर्ट ऑफ सीन राइट ओवर हियर आई डोंट नो ये ओरिजिनल है नहीं है मगर आई डोंट नो काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं आई जस्ट नीड अ वाइट बैग नाउ आई हैव ऑल द कलर्स आई डोंट हैव वाइट कुछ बजट में मिलेगा तो ही लूँगी ऑब्वियसली दीज आर वेरी एक्सपेंसिव अगर कुछ चीज पर मिले बढ़िया मिलेगा देन आई माइट ट्रैव इट दे हैव 37% ऑफ बेसिकली हेयर फाइनली समथिंग वेजिटेरियन है बर्गर किंग डबल वेजी बर्गर दे हैव जस्ट मेंशन डबल वेजी बर्गर और दे हैव नॉर्मल वेजी बर्गर एज वेल एंड टेल देम टू नॉट मेक अ मील बिकॉज दे अपना मील बना देते हैं सो आई एम जस्ट हैविंग वन वेजी बर्गर विच इज़ फॉर 199 नॉट बैड वेज बर्गर खुशी मुशी मुशी पूरा यार हेल्थ ऑफिस फॉर 45 तो हो गया ऑलमोस्ट 95 समथिंग 15 रुपये भाग सो कितना हुआ That's nice यार ये तो सस्ता है मिनीसो से ले लूँ दोनों ले लूँ मोशी मोशी इस मिनीसो की कॉपी और अनदर ब्रांड मिरर्स नाइस यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी है इंडिया में एक या दो ही मिरर मिलते हैं ये कितनी पड़ रही है हमें 1700 समथिंग की एंड मिंत्रा पे भी हमने सर्च करी स्पेसिफिक कलर ही अवेलेबल नहीं है ना रियल लाइक होता है